हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल औराद शाहजनी। फ्रेंड्स, एज एवरीबडी नोज दैट दिस ईयर ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोरोना वी आर गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ दिस यूट्यूब ऑनलाइन वीडियो कंटेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना की इस परिस्थिति की वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि आपके साथ हम लोग कंटिन्यूसली स्टडी प्रोसेस बनाए रखेंगे यूट्यूब के ज़रिए। एज फार एज ग्रेड थ्री इज़ कंसर्न, तीसरी कक्षा के बारे में सोचते हुए, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू स्टोरी ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तीसरी कक्षा का सिलेबस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट टेक्स्ट बुक सिलेबस हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों ने बुक्स खरीदी नहीं है, तो आप लोग पंकज सर से कांटेक्ट कीजिए और प्लीज़ जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदिए। बिफोर लर्निंग दिस स्टोरी एंड बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, लेट मी गिव यू ब्रीफ समरी इन हिंदी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं इस स्टोरी को शॉर्ट तरीके से हिंदी में बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से स्टोरी समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। कोई एक सिचुएशन में अगर चार पाँच छः या ज़्यादा इंसान है, ज़्यादा लोग है, सेम सिचुएशन के बारे में वो अलग अलग बताएंगे, अलग अलग उनकी सोच रहेंगी, अलग अलग उनके व्यूज़ रहेंगे, उनके आइडियाज़ अलग अलग रहेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैडम या फिर सर ने एक टास्क दिया, टास्क मतलब एक वर्क दिया, वो वर्क किसी एक पर्सन के लिए होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। द सेम वर्क इज़ अलॉटेड टू ऑल, सेम वर्क पूरे क्लास को दिया जाता है, लेकिन उसको करने के लिए हर एक स्टूडेंट अपना अपना लॉजिक, अपने अपना सोच विचार, अपने अपने आइडियाज़ उसके लिए इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही हमारी सोसाइटी में एक ही सिचुएशन पे अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे, अलग अलग लोगों के रिएक्शंस मिलेंगे। तो हम लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई हमसे अलग कोई आइडिया देता है या फिर हमसे अलग कोई सोच बताता है, तो हमें उस पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि ये उस इंसान की उस तरीके की सोच है, एक्सेप्ट इट। इससे क्या होगा कि आपने उसका सोचना, आपने उसकी आइडिया एक्सेप्ट किया तो वो इंसान खुश रहेगा, इससे झगड़े भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही हमारी स्टोरी में छह ब्लाइंड लोग थे, एक गांव में छह ब्लाइंड लोग थे। ब्लाइंड मतलब अंधे, वो देख नहीं पाते थे। तो ये जो छह लोग थे एक गांव में रहा करते थे, उस गांव में एक दिन कुछ लोगों ने आकर उनको बताया कि गांव में एक एलिफेंट आया है, एक हाथी आया है, विलेजर्स ने उनको बता दिया। तो बाद में उनको पता ही नहीं था, क्योंकि वो अंधे थे तो उनको पता ही नहीं था, उन्होंने एलिफेंट देखा ही नहीं था कि ये एलिफेंट एक्चुअली होता कैसा है, एलिफेंट है क्या, गेटिंग। तो एलिफेंट क्या है ये देखने के लिए सारे के सारे वो क्या करते हैं, छः अंधे लोग, छः ब्लाइंड पीपल, दे डिसाइड टू गो एंड फील दैट एलिफेंट। वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे और उसको फीलिंग के ज़रिए हम लोग वो एलिफेंट महसूस करेंगे और अपना अपना व्यूज़ लेकर इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग वहाँ पर एलिफेंट को देखने जाते हैं। एलिफेंट को देखने जाने के बाद वहाँ पर अलग अलग पार्ट होते, पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि हम लोगों की पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो वैसे ही एलिफेंट के वो छः लोग छः अलग अलग पार्ट्स को टच करते हैं और फील करने की, इमेजिंग करने की कोशिश करते हैं।
एक उसके लेग्स को टच करता है, एलिफेंट्स के लेग्स को, तो वो बोलता है कि ये पिलर के जैसा है। एक उसकी पूंछ को पकड़ता है, वो बोलता है एक बड़ा सा एलिफेंट, मतलब एक बड़ा सा क्या है, रोप है, रस्सी है। कोई उसको कान को पकड़ता है, टच करता है, फील करने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि इट इज़ अ बिग फैन, ये क्या है, एक बड़ा सा फ़ैन है। उसके पेट को वो एक इंसान, अंधा इंसान, वो टच करता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं एलिफेंट बड़ा फ़ैन नहीं है, एलिफेंट एक बड़ी सी दीवार है। सो इससे क्या होता है, उन लोगों ने अलग अलग पार्ट्स को टच करने के बाद उनका अलग अलग एक आइडिया क्रिएट हो जाता है, इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि एलिफेंट ऐसा ही है। देन दे स्टार्ट क्वारलिंग, दे स्टार्ट अर्ग्यूइंग ईच अदर। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा स्टार्ट करते हैं कि नहीं एलिफेंट मतलब एक लंबी रस्सी जैसा है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं एलिफेंट मतलब एक बड़ी दीवार जैसा है। तो इनका आर्ग्यूमेंट ऐसे ही चलते रहता है चलते रहता है। तो उस आर्ग्यूमेंट के दौरान वहाँ पर एक इंसान आता है, वाइज मैन, मतलब वो सेंसिबल होता है, होशियार होता है। तो वो वहाँ से गुजरता होता है, वो देखता है ये क्यों झगड़ रहे हैं, वो उन्हें रोकता है और पूछता है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अलग अलग उनके जो भी व्यू है, उन्होंने जैसा एलिफेंट को महसूस किया, वो बोलते हैं कि एलिफेंट ऐसा ही है, दूसरा बोलता है ऐसा ही है। सबकी बातें सुनने के बाद वो बोलता है कि यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर राइट, ये तुम छह लोग जो बता रहे हो ये सारी चीज़ें, आप सभी के सभी सही हो। वो बोलते कैसे, क्योंकि आप लोगों ने उस एलिफेंट के अलग अलग पार्ट्स को टच किया था और जो भी खूबियाँ आपने बताई, जो भी फीचर्स आपने बताए, वो सारे के सारे फीचर्स एक एलिफेंट में अवेलेबल होते हैं, और इनको अगर मिला दिया तो वो एक एलिफेंट के ही फीचर्स है। फिर उनको रियलाइज़ होता है एंड दे लिव देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ वेरी हैप्पीली। सो दिस वॉज द स्टोरी फ्रेंड्स। सो इस स्टोरी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि हम लोगों ने दूसरों के आइडिया को, दूसरों को गलत समझना नहीं चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दैट आइडियाज़ एंड वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स आइडियाज़ एंड व्यूज़ ऑल्सो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी, Grade 3 इंग्लिश, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, अंधे लोग और एलिफेंट। वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड 6 ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। एक विलेज में 6 अंधे लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी। वन डे द विलेजर्स टोल्ड देम, हे देयर इज एन एलिफेंट इन द विलेज टुडे। उस गांव के जो विलेजर्स होते हैं, विलेजर्स, उनके साथी, उनके नेबर्स, वो उन्हें बोल देते हैं कि गांव में एक एलिफेंट आया है आज। नेक्स्ट लाइन, दे हैड नो आइडिया व्हाट एन एलिफेंट इज, बीइंग ब्लाइंड, वो अंधे होते हैं इसीलिए उनको आइडिया नहीं होती है कि एलिफेंट क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि एलिफेंट क्या है। दे डिसाइडेड इवन दो वी वुड नॉट बी एबल टू सी इट, लेट अस गो एंड फील इट एनी वे। फिर वो अंधे लोग सोचते हैं कि हालांकि भले ही हमें उसे देख नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन हम उसे फील तो कर सकेंगे, चलो हम जाएंगे और उसे फील करेंगे। ऑल ऑफ देम वेंट वेयर द एलिफेंट वॉज। फिर सारे के सारे जहाँ पर एलिफेंट था वहाँ पर गए, वहाँ पर उसको देखने के लिए पहुँचे वो लोग। एवरी वन ऑफ देम टच्ड द एलिफेंट, हर एक ने एलिफेंट को टच किया। हे द एलिफेंट इज अ पिलर, सेड द फर्स्ट मैन हु फेल्ट द एलिफेंट्स लेग। उनमें से एक आदमी ने, एक इंसान ने क्या किया, बोल दिया, वो बोल रहा है कि एलिफेंट मतलब एक पिलर है, पिलर मतलब एक खम्बा, एक बड़ा सा खम्बा, पोल, कॉलम जो होता है ना अपना, तो वो क्या बोल रहा है कि एलिफेंट मतलब एक पिलर है जिसने उस एलिफेंट के लेग्स को टच किया था। ओ नो इट इज़ लाइक अ रोप, सेड द सेकेंड मैन हु कॉट द टेल। दूसरा इंसान जो होता है उसने उसकी क्या पकड़ी है, टेल पकड़ी है, TAIL, टेल मतलब पूंछ, और वो क्या बोल रहा है, नहीं 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 एलिफेंट मतलब क्या है, इट इज़ लाइक अ रोप, ये क्या है, एक रस्सी है। ओ नो इट इज़ लाइक अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री, सेड द थर्ड मैन हु स्ट्रोक द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। तीसरा आदमी उनमें से जो होता है वो बोलता है कि नहीं बाबा नहीं, ये क्या है,
एक बड़े से पेड़ का एक ब्रांच है जिसने क्या किया होता है, एलिफेंट का जो ट्रंक होता है उस ट्रंक को टच करता है और उसका एक्सपीरियंस, वो आइडिया, उसका व्यू, इमेजिनेशन बोल रहा है। इसी बीच क्या होता है, देखिए, इट इज़ लाइक अ बिग हैंड फैन, सेड द फोर्थ मैन हु टच द ईयर ऑफ द एलिफेंट। उसमें से चौथा अंधा व्यक्ति जो होता है वो उसके कान को टच करता है और बोलता है कि इट इज़ लाइक अ बिग फैन। ये क्या है, एक बड़े से फैन के जैसा है, ये फैन ही है बड़ा। इट इज़ लाइक अ ह्यूज वॉल, सेड द फिफ्थ मैन हु फेल्ड द बेली ऑफ द एलिफेंट। फिर पांचवा इंसान एलिफेंट के पेट को पकड़ता है, उसको टच करता है और वो फील करता है कि नो 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 नो, वो बोलता है कि ये क्या है, एक बड़ी सी दीवार है। एलिफेंट मतलब क्या होता है, बड़ी सी दीवार होता है, ऐसा पांचवा इंसान बोलता है। इट इज़ लाइक अ सॉलिड पाइप, सेड द सिक्स्थ मैन हु रब्ड द टस्क ऑफ द एलिफेंट। फिर छठा जो इंसान होता है अंधा, वो क्या करता है, एलिफेंट के टस्क को टच करता है और वो बोलता है कि नहीं, ये सब लोग, आप लोग जो बोल रहे हो वो गलत है, और एलिफेंट मतलब एक सॉलिड, सॉलिड मतलब स्ट्रांग पाइप की तरह है, मजबूत पाइप की तरह है। और अलग अलग व्यू होने की वजह से नेक्स्ट क्या होता है देखेंगे। दे बिगैन टू आर्ग्यू अबाउट द एलिफेंट एंड एवरी वन ऑफ देम इंसिस्टेड दैट ही वॉज राइट। फिर वो क्या करते हैं, हर दिन झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे की बात मानते ही नहीं है, और वो बोलते हैं कि, इंसिस्ट करते हैं, मतलब जोर लगाते हैं, हट करते हैं कि नहीं, एलिफेंट मतलब क्या है, एक पिलर है, एलिफेंट मतलब क्या है, रोप है, क्योंकि छह लोग थे, छह अलग अलग पार्ट्स को उन्होंने टच किया था और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और वो आर्ग्यू उनका डेली बेसिस पर वो क्या करते थे, जब भी मिलते थे और वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे, वो बोलते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। नाउ दे वर बिगिनिंग टू गेट एंग्री विथ ईच अदर, और इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे का गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे से गुस्सा हो रहे थे। वाइज मैन वॉज पासिंग बाय एंड ही सॉ दिस। फिर वहाँ से एक होशियार आदमी जो सेंसिबल था, जो वाइज था, जो इनसे एजुकेटेड था, हम ऐसे बोल सकते हैं, कि वो वहाँ से जा रहा था उनके नज़दीक से, उन्होंने, एंड ही सॉ दिस, और उसने ये देखा। ही स्टॉप्ड एंड आस्क देम, उन्होंने उनको रोका, झगड़ो मत, और उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या है, क्यों आप झगड़ कर रहे हो। दे सेड वी कैन नॉट एग्री टू व्हाट द एलिफेंट इज़ लाइक। हम लोग एक बात पर, एक सोच पर कायम नहीं है, हम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग पार्ट टच किए और हम लोग एग्री नहीं है कि एलिफेंट किसके जैसे दिखता है, किसकी बात सही है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चल रही है। ईच वन ऑफ देम टोल्ड व्हाट ही थॉट द एलिफेंट वॉज लाइक। फिर छः में से जो लोग थे, छः में से छः लोगों ने अलग अलग उनके जो व्यू, उन्होंने जैसे फील किया था वैसे ही उन्होंने क्या किया, बता दिया। देन द वाइज मैन कामली एक्सप्लेन टू देम। वाइज मैन ने सबको अच्छे से समझाया, अच्छी तरीके से समझाया, क्या समझाया देखेंगे। ऑल ऑफ यू आर राइट, आप सभी लोग सही हो। द रीज़न एवरी वन ऑफ यू डिस्क्राइबिंग इज डिफरेंटली इज बिकॉज ईच वन ऑफ यू टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट। ये रीज़न क्या है कि आप लोगों ने एलिफेंट के अलग अलग पार्ट को टच किया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि एलिफेंट उसी की तरह है, लेकिन सो एक्चुअली द एलिफेंट हैज़ ऑल दोज फीचर्स दैट ऑल सिक्स ऑफ यू मेंशन। एक्चुअली क्या है, आपने जो छह बातें बताई अलग अलग, वो सारी की सारी एलिफेंट्स की विशेषताएं है। ओ एवरीवन सेड, सबको अब आश्चर्यचकित हो गए। देर वॉज नो मोर फाइट, एवरीवन सेड, उन्होंने क्या कहा, अब इसके बाद कोई भी फाइट नहीं करेगा। दे फेल्ट हैप्पी दैट दे वर ऑल राइट, और सारे के सारे लोग क्या थे, हैप्पी थे। क्यों हैप्पी थे, क्योंकि वो सबकी बातें सही निकली। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, ऑल ऑफ अस थिंक डिफरेंटली एंड वी रिएक्ट टू द सिचुएशंस डिफरेंटली। सिचुएशंस को लेकर हम लोग अलग अलग से रिएक्ट करते हैं और हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। दिस डज नॉट मीन दैट पीपल हु थिंक डिफरेंटली आर रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे अलग सोचने वाला इंसान हमेशा गलत ही होता है। ये सीख हम लोगों को इस लेसन से मिलती है फ्रेंड्स। देन
ऑन द स्क्रीन देर आर बॉडी पार्ट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के बॉडी पार्ट से आईज, यू कैन सी दैट आईज, हेड ऑफ दैट एलिफेंट, ईयर, टस्क, टस्क मतलब हाथी के दांत, टी यू एस के एस, टस्क मतलब हाथी के दांत, लेग्स है वहाँ पर, ट्रंक मतलब हाथी की सूंड, टी आर यू एन के, ट्रंक, ट्रंक मतलब हाथी की सूंड, बी ओ डी वाई बॉडी, या फिर उसे बेली भी बोल सकते हो, पेट जो है उसका, टेल, टेल मतलब हाथी की पूंछ, टी आई एल। फ्रेंड्स सब न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो देयर, कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए मैंने लिखे हैं यहाँ पर इस लेसन के, स्टोरी के। फर्स्ट वर्ड है पिलर, पी आई एल एल ए आर, पिलर मीन्स पोल, खम्बा जिसे हम बोलते हैं। सेकेंड दैट इज़ अ वर्ब, फेल्ट एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसमें से कोई क्रिया दिखती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब, फेल्ट, एफ ई एल टी, फेल्ट मतलब महसूस किया। थर्ड वर्ड सी ए यू जी एस टी, कॉट, कॉट मतलब पकड़ा। फोर्थ स्ट्रोक्ड, एस टी आर ओ के ई डी, स्ट्रोक्ड मतलब पैट, सहलाना, स्ट्रोक्ड का मतलब है सहलाना, पैट इज इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड। सॉलिड, एस ओ एल आई डी, सॉलिड मतलब स्ट्रांग, हिंदी में उसका मीनिंग होता है मजबूत। सिक्स्थ वन रब्ड, आर यू बी बी ई डी, रब्ड मतलब घिसना। सेवन्थ वन अर्ग्यू, ए आर जी यू ई, अर्ग्यू मीन्स झगड़ा करना। एट्थ वन इंसिस्टेड, आई एन एस आई एस टी ई डी, इंसिस्टेड मतलब हट करना या फिर जोर देना। नाइन्थ वन फीचर्स, एफ ई ए टी यू आर ई एस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। एंड लास्ट वर्ड मेंशनड, एम ई एन टी आई ओ एन ई डी, मेंशन मतलब स्टेटेड और सेड मतलब उल्लेख किया। सो विल एंड दिस सेशन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मीनवाइल प्लीज़ स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, थैंक यू।